किसान साथियों राम राम नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल मय हो। हम इस समय है कुरावली मंडी जिला मैनपुरी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। किसान साथियों मैं हर संडे को यहां आता हूं कुरावली मंडी, क्योंकि फरुखाबाद की मंडी आज संडे है तो संडे को बंद रहती है। इस तरीके से आज आमदनी है करीब करीब 25 से 30 मोटर की मुझे लग रही है। चलिए जानते हैं, कुछ लेते हैं अपडेट आरती भाई से और किसान भाइयों से। पूरा अपडेट देखें, लास्ट तक देखें, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आज का ऑफर किसान साथियों मैं आपको दिखाता हूँ लौका और आलू यहाँ पे एक तुल रहा है भाई, देख सकते हो आप इसकी क्वालिटी। एवरेज क्वालिटी है इस आलू की भाई। इधर हमारे साथ किसान है, किस जानकारी लेते हैं इनसे। बाबा शुभ नाम बता देना अपना। किस गांव से हो? भक्ति। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या भाव बिका ये आलू? 160। 160 रुपया मन? हाँ। अच्छा, कितनी खुदाई रह गई तुम्हारे गांव में? थोड़ी रह गई। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाई ये बाबा जी हैं, इन्होंने बताया 160 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिका। यहाँ पे आलू बिकता है मन के हिसाब से और मन होता है 40 केजी। किसान साथियों एक मैं अब आपको दिखाता हूँ ख्याति आलू मीडियम क्लास भाई। ये टाली इधर लगी हुई है, थोड़ी बहुत आलू में जंग की शिकायत है भाई। कलर तो अच्छा है लेकिन थोड़ी बहुत जंग की शिकायत है। बस बस ये देखो भाई, क्लियर ही है, चल रहा चढ़ा जा। इधर भी पैकेट लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अपडेट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें। इधर हमारे साथ है किसान, कुछ जानकारी लेते हैं। चाचा इधर खड़े हो जाना, इधर खड़े। शुभ नाम बता देना अपना, नाम बता दो अपना। शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह जी, किस गांव से हो आप? जागीर। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी खुदाई रह गई अब आपके क्षेत्र में? खुदाई कितनी रह गई? खुदाई खत्म हुई है भाई। अच्छा, एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगी? अरे खत्म ही है, दो चार छः दिन की। क्या भाव बिका ये? 161। 161 रुपये मन के हिसाब से। अच्छा, आलू बड़ो मत दो, बिक रहा होगा। हाँ मत दो बिक रहा, बहुत मत दो बिक रहा। आलू कोल्ड की क्या स्थिति है इधर? तो भरे कहाँ आलू जा रहा है अभी या नहीं? जा तो है, कम जा तो। अच्छा, जो किसान है खाली मंडी में लेके आ रहा ज़्यादातर? हाँ हाँ। कहाँ से भैया, कहाँ से हो आप? किसान भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ एक 166 आलू, ये टाली में लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैंगे छट्टा आलू है, लेकिन शायद बहुत अच्छा नहीं है इसका। थोड़ी बहुत आलू में जो है चिट्टी है, घूरेगी फिलहाल। इधर हमारे साथ हैं किसान, लेते हैं कुछ जानकारी इनसे। शुभ नाम बताइए भाई अपना। आनंद प्रताप सिंह। आनंद प्रताप सिंह जी, क्या भाव बिका ये आलू? 171 रुपये। 171 रुपये मन के हिसाब से। मन। कितनी खुदाई बाकी है अभी आपके क्षेत्र में? अभी है लगभग 10% खुदाई और बाकी। 10% है। डंप वगैरह लगे हैं गांव में? डंप नहीं है। डंप नहीं है। अच्छा अच्छा, कोल्ड की क्या स्थिति चल रही इधर? कोल्ड तो खड़ो गए। क्या बोर्ड वगैरह लग गए क्या बाहर? हाँ बाहर लग गए, आज कोल्ड के बोर्ड। अच्छा अच्छा, किस कोल्ड में डालते हो आलू? अगर डालते हैं मैनपुरी। कौन सा कोल्ड? भगवती कोल्ड स्टोर। भगवती में? अच्छा अच्छा, अग्निहोत्री। तो भगवती और अग्निहोत्री में आलू ले रहे हैं या मना कर रहे हैं? मना कर दी, फुल हो गए। फुल हो गए। अच्छा, क्या बता रहे हैं आप? हाउसफुल हाउसफुल लिख दिया।
अच्छा, कब से लिखा हुआ है? कहीं ले रहे हैं, कहीं बंद कर दे, ओछा ले रहे हैं, ओछा ले रहे हैं, माधव सीत गिरे ओछा। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, कुछ ग्रोर भी ले रहे हैं, कुछ ग्रोर में भी फुल हो गए। अच्छा, मतलब कि 50% कोल्ड होगा इन लोगों के जो कोल्ड हैं, और ज़्यादा लगभग 80% कोल्ड फुल ही हो गए हैं। अच्छा अच्छा, लगभग 80%। अच्छा अच्छा, 20% ही खाली हैं, सुई लेलवा रहे। हाँ किसान भाइयों, हम इस समय है आशा राम वर्मा एंड सन्स पे, और हमारे साथ हैं आलू आरती कुलदीप सिंह जी। भैया राम राम। राम राम। और सब भैया कुशल मंगल? ठीक है भैया। कैसी लिवाली है आज भैया? आज अच्छी, ठीक है लिवाली। लिवाली अच्छी रही? अच्छा अच्छा अच्छा। आमदनी की बात करें, आमदनी आज कितनी होगी? आमदनी आज हमारे यहाँ बहुत कम है, होगी 20 से 25 मोटर। मात्र 20-25 मोटर? जी जी। क्या कल कितनी आई गई, आ गई थी शनिवार वाले दिन? कल तो आवक थी 40 मोटर। अच्छा, मौसम के वजह से आज आमदनी कम आ गई? कल बारिश हुई है ना सब। अच्छा, मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो अभी बिछवा से थोड़ा उधर की तरफ खूब तेज बारिश हुई। जी जी, सुबह मुझे ऐसा लग रहा था मंडी में बारिश हो रही है, लेकिन मंडी में आज मंडी में नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे 3 किलोमीटर पीछे बिछमा है, बिछमा तरफ बारिश हुई, मैनपुरी हुई है बारिश। जी जी जी, लेकिन यहाँ नहीं हुई। बहुत अच्छी बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हुई। हाँ, मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि मुझे आज बहुत दिक्कत होगी मंडी तक पहुंचने में, लेकिन यहाँ बिल्कुल सूखा मिला। नहीं, यहाँ हुई नहीं बारिश बिल्कुल, ज़रा एक बूंद नहीं दिखी मुझे आज। तो आज 20 मोटर की आमदनी रही करीब? 20 से 25 मोटर। कैसे क्या बिके? अच्छा स्वाद क्वालिटी आलू के रेट बिका? क्वालिटी का आलू ये बिका हमारे यहाँ 231 रुपये मन बिका। ये देखिए आप, ये 231 रुपये मन बिका है, एक 235 रुपये मन बिका है, ये मेरे हिसाब से 240 रुपये मन बिका, 241 रुपये। ये तो बहुत अच्छा आलू है, बढ़िया रंग पानी का और साइज भी बहुत अच्छा है इस आलू का, बहुत अच्छा आलू और कलर पानी भी अच्छा है। 231 और एक बिका 235। जी, एक बिका 241। 241 रुपये, 235, 241, ये शॉर्ट क्वालिटी हो गई। ये तो हाईएस्ट तो यही हाईएस्ट रहा है या इससे ऊपर भी? नहीं, इससे ऊपर नहीं बिका, यही बिका 200। अच्छा 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 अच्छा। और जो एवरेज क्वालिटी होती है वो क्या रेट बिकी? 150 रुपये समथिंग, 150 से लेके 180 रुपये तक। 150 से 180 रुपये मन के हिसाब से? मन के हिसाब। अगर क्विंटल के हिसाब से अगर आप रेट निकालो, मान के चलिए आप 400 रुपये क्विंटल से लेके और 650 रुपये क्विंटल, 650 रुपये क्विंटल तक। इसका 650 रुपये क्विंटल हो गया करीब? इसका हो गया। अच्छा अच्छा। और जो चेचक वगैरह के हैं, जो चेचक वाला आज हमारे मार्केट में है ही नहीं आलू, वैसे चेचक वाला होता तो 250 से 300 रुपये क्विंटल बिकता, 250 से 300 रुपये क्विंटल। अच्छा, साउथ की कैसी डिमांड निकल रही है इस मंडी से? हाँ ठीक है, साउथ की डिमांड, साउथ में ये आलू अच्छे जो जा रहे हैं, 250 रुपये की रेंज के, 240 रुपये रेंज के, साउथ के साउथ वाले ही ले रहे हैं, साउथ वाले ले रहे हैं। कितनी गाड़ी बन जाती है इस मंडी से साउथ के लिए? साउथ की 8-10 गाड़ी, आज तो 8-10 गाड़ी होंगी, वैसे 20-25 गाड़ी समथिंग साउथ लग जाती है, साउथ के लिए 20-25 गाड़ी लग जाती हैं। अच्छा, और सिलचर वगैरह? सिलचर हमारे यहाँ नहीं चलता है, सिलचर हमारे यहाँ कोई लेता ही नहीं सिलचर के लिए। सिलचर के लिए आपके यहाँ से नहीं जाता? हमारे यहाँ तमिलनाडु और ये साउथ इधर ही जाता है, ज़्यादातर बेंगलोर वगैरह है, बेंगलोर है, साउथ है और बम्बई है, बम्बई है, तमिलनाडु है। जी जी जी। वेस्ट बंगाल में भी लदाया कल आलू। अच्छा अच्छा जी। बिहार में लदाया, झारखंड लदाया। जी। और लॉकर, लॉकर किस रेट बिक रहा है? भैया बिक रहा है 150 रुपये मन से लेके 250 रुपये मन। हेलो, अगर आप बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते ये बाजार कैसा तक कैसा गुजरा है? आलू ठीक गुजरा है, बढ़िया आलू भी गुजरा है, ठीक ठाक बिके भी हैं माल, मार्केट में इस हफ्ते तेजी भी रही है पिछले हफ्ते की अपेक्षा। अच्छा अच्छा, बिके हैं माल। अच्छा, इस हफ्ते थोड़ा मौसम में भी ठीक नरम ही रही है, तो दागी वागी कम आए आलू। अच्छा, डंप के किस तरीके से आ रहा है आलू? नहीं आ रहा अभी हमारे यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल डंप नहीं है, चल रहा अभी नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, आलू आ रहा है जो भी आ रहा है? जी जी जी, 100% खेत का ही आलू आ रहा है अभी, खेत का ही आ रहा है, डंप का सिंगल आलू नहीं आ रहा, डंप अच्छा, का 10 दिन बाद आलू आने लगेगा हमारे यहाँ, 10 दिन के बाद से, यानी कि एक हफ्ता गुजरने के बाद। हाँ, एक हफ्ता गुजरने। अच्छा, और कोल्ड की क्या स्थिति चल रही इधर? कोल्ड फुल है, कोल्ड फुल हो गए बिल्कुल, 90% या 100%? नहीं, 90-95% तो हो ही गए। अच्छा अच्छा अच्छा, लेना तो बंद कर ही दिया, एक दो कोल्ड स्टोर है जो ले रहे हैं, बाकी लेना बंद कर दिया, मतलब मना कर रहा है, मतलब कोई जगह नहीं, नहीं है, जगह नहीं है, नहीं नहीं जगह ही नहीं है। अच्छा, हो गया लगभग, एक दो कोल्ड स्टोर बचा है बस, उसी में जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा।
आमदनी की क्या क्या लग रहा है अब जो अगला ये हफ्ता आ रहा है इसमें आमदनी किस तरीके से नहीं होगी? आमदनी इससे ज़्यादा नहीं होगी, 20 मोटर समथिंग आएगा, 8-10 दिन आलू फिर कम ही होता जाएगा। आमदनी 20-25-30 मोटर से ऊपर आमदनी अब नहीं पहुँचेगी? नहीं होगी। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है अब भाव में कुछ सुधार देखने को मिले, 20-25 मोटर या 15 जंप वाला जब आएगा जी जी उसमें सुधार होगा आलू। अच्छा, अभी तो ये खेत के आ रहे हैं इसलिए नरम गरम आलू आ रहे हैं जी, तो जिस भाव बिक जाए वो ठीक ही बिक जाए। डंप वाला आलू आएगा, ठंडा मजबूत आलू, ठंडा और मजबूत आलू आएगा। अरे मौसम भी ऐसा आएगा तब डंप खराब भी नहीं होगा अभी जल्दी? नहीं नहीं, खराब नहीं होगा और मौसम भी साथ दे रहा है आलू का, लेकिन डंप के आलू तो अच्छे आते ही है, मजबूत आलू जी जी, और मतलब ठंडे भी आते हैं तो वो आलू बिकते ही अपने हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकारी खरीद का कुछ? सरकारी खरीद हमारे यहाँ कैंप नहीं लगा, पिछले साल लगा था लेकिन मैनपुरी में लगा, लेकिन अभी तक लिया एक भी दाना नहीं उन्होंने। अच्छा, कुछ बाध्यता मतलब कर दी एमएम की? एमएम का होना चाहिए, 4 MM का, 6 MM का आलू चाहिए। अच्छा, साइज का किसान कहाँ से बना के लाएगा? मार्केट में क्या 70 का बिक जाता है, उसका गुल्ली होगा वो भी बिकेगा, अच्छा होगा वो भी बिकेगा, सड़ा होगा वो भी बिकेगा, खराब होगा वो भी बिकेगा, बिकता है। लेकिन वो है ना, तो उन सरकारी खरीद वालों को एमएम का आलू चाहिए, साइज का अच्छे साइज में बढ़िया आलू चाहिए, और जो अगर किसान अगर देगा तो फिर बाकी बच्चा कहाँ ले जाएगा उसे? ये भी नहीं रहा ना, किसान साइज ही नहीं बन पाएगा 4 MM का। अभी एक ट्रॉली में 100 कट्टे 20 पैकेट निकलेगा साइज का आलू, बाकी का वो कहाँ ले जाएगा फिर? सबसे बड़ी समस्या यही है किसान के सामने, अगर जैसी ट्राली आए वैसी पूरी तुल जाए सरकारी खरीद में, वो सबसे बढ़िया आएगा। नहीं, सरकारी खरीद में लेगा ही नहीं ना, वो तो एमएम का आलू मांग रहा, 4 MM 6 MM का आलू मांग रहे हैं, तो 6 MM का 4 MM का आलू किसान कहाँ से लाएगा? जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद भाई। इधर किसान है हमारे साथ, कहाँ से भैया? चौराज। अच्छा, आलू बेच लिया आपने? क्या रेट बिका? 231 अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा आलू था? आलू कौन सा था? 97 छोटा होगा यार, मीडियम क्लास, मीडियम क्लास है। 97 अपनी मंडी में कैसे आया इधर? नहीं, हमारे 97 कम होता है, बिल्कुल कम होता है, बहुत नाम के बराबर होता है। अच्छा अच्छा, वो भी होता है, उसकी क्वालिटी नहीं बना पाते हैं किसान। हाँ, बिल्कुल गुल्ली गुल्ला आलू होता है 97। अच्छा आलू तो 97 होगा, वो आज भी 700 रुपए क्विंटल बिकेगा। अच्छा, अच्छा आलू, अच्छा नंबर एक क्वालिटी, नंबर एक का होगा, 700 रुपए बिकेगा आज भी। आज भी साउथ वाली क्वालिटी किसान नहीं बना पाता है? नहीं, हमारे यहाँ 97 पहली बार तो कम होता ही है, और जो होता भी है वो गुल्ली गुल्ला होता है, सब अच्छा नहीं होता है, मंडिया अच्छा। आलू हो जाता है बिल्कुल बेकार, इसलिए लोग साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी ज्यादा ज्यादा करने लगे। अच्छा, जाती हो 302 ज्यादा होता है, 302 और 166 भी ज्यादा होता है। हाँ, ये भी होता है जी जी, धन्यवाद।